समाजवादी पार्टी के नेता के पास चलेंगे। आपके लिए नीचे से सवाल आया था कि अगर माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो आपको क्या परेशानी होती है, आपको क्यों दर्द होता है सर? हमें कोई दर्द नहीं है, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं, जो दोषी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? हम पूछना चाहते हैं अभिषेक सिंह का इनकाउंटर कराने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? हम पूछना चाहते हैं कि अन्याय, हम पूछना चाहते हैं गोरखपुर के होटल में मारे गए उस युवा व्यापारी के ऊपर बुलडोजर। बताइए बताइए बताइए, उन्होंने इतनी लंबी फहरिस्त गिना दी है, इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे आप? कानून व्यवस्था आपका सिलेक्टिव है क्या? गलत फहरिस्त गिनाई जा रही है, ये अपराध के उसकी गिनाई जा रही है। बुलडोजर चलता है जिन्होंने जो भू माफिया जमीन कब्जा किए हुए हैं। जरा इनसे पूछिए कि सपा की सरकार थी, इनके जो विधायक थे कितनी हत्याएं कराए हैं? सरेनी के विधायक ने विधायक रहते हुए सपा के यादव की हत्या की थी, तब इन लोगों ने आंदोलन किया। वो तो आप पर फिर से भाई गुंडा राज माफिया राज का आरोप लगा रहे हैं। ये एक्चुअली असल में ये बात हमारे जो साथी हैं भाजपा के इसलिए कह रहे हैं कि इनकी भी संस्कृति वही है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये भी वही करते थे जो आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या? यही हत्या, अत्याचार, बलात्कार कराना, लोगों से लूट कराना, डकैती डलवाना। अरे कानून व्यवस्था के मामले में तो वो बार बार कहते हैं बेहतर हो गया है, आपके जमाने में जंगल राज था, आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उसी को हमारे साथी गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, छात्रों के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार, व्यापारियों को मार रहे हैं। जवाब दीजिए सर, बहुत आरोप लग गए। यही रायबरेली में नाथे पर की यादव की हत्या मनोज पांडे ने करवाई और वहाँ यादव आंदोलन करने। तो आप लोगों की सरकार है, आप लोग तो जो भी अपराधी होता है उसको जेल में या फिर यूपी से बाहर नहीं कर पाए उसको? बिल्कुल कर दिया, हमारी सरकार में नहीं हुए। अच्छा। ये सारी हत्याएं समाजवादी पार्टी सरकार में हुई हैं, इसी जिले में हुई हैं और उसी पार्टी के लोगों के ठीक है तब भी उन ठीक है। आगे आगे बढ़ती हूँ, अब कुछ और सवाल। यहाँ देखिए आप, एक सेकंड, ये लाल टोपी लगाए हुए लोग हैं, आप इनको देखकर समझ पा रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी की ये यूथ ब्रिगेड है। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, आ रही हूँ, सवाल पूछिए, एक एक करके सवाल पूछिए। पूछना चाहते हैं मैडम, मैडम भाई ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना इतना बढ़ा हुआ था कितने सरकारी कर्मचारी पंचायत चुनाव में शहीद हो गए, तो चुनाव कराने क्या हो सकता है? ठीक है, पंचायत चुनाव क्यों कराए कोरोना काल? ये ब्राह्मण विरोधी सरकार, एक विधायक हमारा जो ऊंचा हार से ब्राह्मण लड़ रहा चेहरा, ये भाजपा बताती है कि हम ब्राह्मण के समर्थन में है। पूरा भारत देश, पूरे भारत देश के नेता, पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, योगी मोदी सब उस मनोज पांडे चेहरे को हराने को लग गए हैं, लेकिन मनोज पांडे को हिला नहीं पाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।